Good evening viewers, welcome to lecture 3 on TPA. Lecture 3 undertakes a detailed analysis of section 2 TPA. Here is the synopsis of lecture 3. In the preceding lecture, we have discussed section 1 TPA. Today we will be discussing section 2 TPA. See the heading general. First point, scheme of chapter 1. Scheme of chapter 1 that you already know. In lecture 1, lecture 2, the scheme has been given. But I have repeated the scheme here once again for ready reference. Chapter 1 has four sections. First section is short title, commencement and extent. Second section here in red ink relates to repeals and savings we will discuss repeals and savings section 3 is an interpretation class section 10 contains seven definitions that we will discuss in the next lectures and the last chapter the last section, 4. Section 4, we have already discussed in lecture 1 and also in lecture 2. This relates to code of contract. Section 4 relates to code of contract and it says that provisions relating to registration are to be taken as part of Indian Registration Act section 4 is declaratory in nature now point number 2 the scheme of section 2 repeal and savings you see this table first clause of section 1 is repeal second class 2a saving third class 2b saving fourth class 2c saving fifth class 2d saving and the last bottom class bottom class of section 2 also saving सो फर्स्ट क्लास रिलेट्स टू रिपील्स एंड दिस फर्स्ट क्लास इज टू बी रेड विद शेड्यूल शेड्यूल टीपीए हैज वन शेड्यूल सो द फर्स्ट क्लास ऑफ सेक्शन टू इज टू बी रेड विद द शेड्यूल धारा दो का जो प्रथम खंड है उसे अनुसूची के साथ पढ़ना चाहिए सेक्शन टू टू बी रेड विथ द शेड्यूल टू टीपीए, क्लास टू क्लास थ्री क्लास फोर क्लास फाइव क्लास सिक्स ये नीचे के पांच खंड टू ए टू बी टू सी टू डी और लास्ट में एक बॉटम क्लास है आधार या अंतिम खंड है ये सभी व्यावृत्तियों से संबंधित है सेविंग से संबंधित है ध्यान दीजिए जब भी कोई नया स्टैट्यूट, जब भी कोई नया अधिनियम आता है तो जो पहले से विद्यमान विधियां हैं पहले से संचालित विधियां हैं प्रवर्तित विधियां हैं उन्हें जाना होता है उन्हें रिपील कर दिया जाता है तो टीपीए का सेक्शन दो भी रिपील कर रहा है लेकिन कुछ व्यवस्थाएं अधिनियम से पहले की कुछ व्यवस्थाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें बनाए रखना आवश्यक है न्याय की मांग है व्यवहारिक पक्ष है कि कुछ पुरातन व्यवस्थाओं को बनाए रखा जाए तो सेक्शन दो, दोनों उद्देश्यों को पूरा करता है इसमें रिपील भी है पहला क्लास और शेष नीचे के जितने भी क्लासेस हैं टू बी टू ए बी टू ए टू बी टू सी टू डी और उसके नीचे एक बॉटम क्लास ये सब सेविंग्स हैं देखेंगे क्या क्या सेव किया है किन चीज़ों को व्यावृत्ति प्रदान की गई है और किसको रिपील किया गया है लेकिन बात जब रिपील की आएगी तो शेड्यूल ज़रूर पढ़िएगा मैंने यहाँ स्पेसिफाई किया है रिपील किस चीज़ का रिपील एस ए आर टीपीए से पहले वाले पूर्व टी पी एस ए आर रिपील किए गए टीपीए से पहले जो एस ए आर थे उन्हें रिपील कर दिया गया और और डिटेल में समझने के लिए शेड्यूल को भी रेफर करना चाहिए आप ये सोच रहे होंगे कि यह एस ए आर क्या है प्री टी पी एस ए आर क्या है यहाँ देखिए क्या है एस ए आर एस मीन्स स्टैट्यूट या संविधि ए मीन्स एक्ट अधिनियम आर मीन्स रेगुलेशन विनियम तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से पहले वाले जो स्टैचूट्स थे जो एक्ट थे जो रेगुलेशंस थे उन्हें निरसित कर दिया गया रिपील कर दिया गया कितना रिपील कर दिया गया कहां से रिपील कर दिया गया यह दो प्रश्न ध्यान रखिएगा टू वॉट एक्सटेंट रिपील्ड एंड फ्रॉम विच टेरिटोरी रिपील्ड किस राज्य क्षेत्र से निरसित किया गया किस सीमा तक निरसित किया गया यहां देखिए किस राज्य क्षेत्र में निरसन प्रभावी हुआ और किस सीमा तक निरसन प्रभावी हुआ टू वॉट एक्सटेंट रिपील टुक प्लेस एंड इन विच टेरिटोरी रिपील वॉज मेड इफेक्टिव ये हम आगे देखेंगे सो दिस इज द स्कीम ऑफ सेक्शन टू टीपीए रिपील सेविंग 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 एंड सेविंग सेविंग फ्रॉम वॉट टीपीए सेविंग फ्रॉम टीपीए टी पी ए शैल नॉट एफेक्ट टीपीए शैल नॉट एफेक्ट टी पी ए शैल नॉट एफेक्ट टी पी ए शैल नॉट एफेक्ट सेविंग इज अगेंस्ट टी पी ए टीपीए इज नॉट टू एफेक्ट देखना होगा कि किन चीजों को टीपीए से बचाया गया है टी पी ए की मार से बचाया गया है वॉट आर द प्रोविजन्स वॉट आर द थिंग्स दैट है अगेंस्ट द टी पी एसे हम आगे डिटेल करेंगे नाउ कम टू नेक्स्ट हेरिंग रिपील ऑफ प्री टी पी ए सार्स रिपील ऑफ प्री टी पी एस ए आर अभी आपको बताया जब भी कोई नया अधिनियम आता है तो पुराने स्टैट्यूट्स, पुराने एक्ट्स तथा पुराने रेगुलेशंस को निरसित किया जाता है रिपील किया जाता है तो प्री टी पी ए प्री टी पी एक्ट्स एंड प्री टी पी ए रेगुलेशंस स्टैंड रिपील्ड उन्हें हटा दिया गया कहां से हटा दिया गया फ्रॉम विच टेरिटोरी उस टेरिटोरी से हटा दिया गया जहां टीपीए लागू है सच टेरिटोरीज टू विच टीपीए एक्सटेंड्स फ्रॉम दोज टेरिटोरीज एस ए आर रिपीट किस राज्य क्षेत्र से रिपील कर दिया गया उस राज्य क्षेत्र से रिपील कर दिया गया जिस राज्य क्षेत्र में संपत्ति अंतरण अधिनियम प्रवर्तित है जहां टीपीए प्रवर्तित नहीं है वहां वे लागू हो सकते हैं वहां से उन्हें रिपील नहीं किया गया है सो दिस इज लिमिटेड रिपील प्री टीपीए स्टैच्यूट प्री टीपीए एक्ट्स एंड प्री टीपीए रेगुलेशन है from the territories to which TPA extends and the territories to which TPA does not extend, there these statutes, these acts and regulations may still remain operative. Now second question is, to what extent repealed? पूरा या आधा या और कम अब इसके लिए आपको स्टैट्यूट किस सीमा तक रिपील किया गया रेगुलेशन किस सीमा तक रिपील किया गया एक्ट किस सीमा तक रिपील किया इसके लिए आपको शेड्यूल देखना पड़ेगा शेड्यूल में बताया गया है कि ये स्टैच्यूट ये एक्ट या रेगुलेशन पूरी तरह से रिपील्ड और ये स्टैचूट ये एक्ट ये रेगुलेशन अंशतः रिपील कौन से टोटली totally रिपील्ड है और कौन से पार्टली रिपील्ड है किस एक्सटेंड तक रिपील्ड है ये डिटेल आपको शेड्यूल से मालूम होगा नाउ सम इट Pre-Transfer of Property Act statute, acts and regulations have been repealed. Repealed from the territory to which TPA extends and repealed to the extent specified in the schedule. Second point. Remaining statutes, remaining acts and regulations और पार्ट देयर ऑफ शैल रिमेन एनफोर्सिएबल जिन स्टैट्यूट्स एक्ट्स और रेगुलेशन का उल्लेख शेड्यूल में नहीं किया गया है वे तो बचे रहेंगे जिन स्टैट्यूट एक्ट या रेगुलेशन का केवल कुछ अंश रिपील किया गया है तो उनका शेषांश प्रवर्तन में बना रहेगा The statutes, acts and regulations which have not been mentioned in the schedule shall survive. And the statutes, acts and regulations which have been mentioned in the schedule shall go. Go either totally or partly. If they have been repealed only partly, the remaining part thereof शैल ऑल्सो सरवाइव नाउ थर्ड हेडिंग सेविंग नॉट एफेक्टेड बाई टी पी ए सेविंग नॉट एफेक्टेड बाई टी पी ए सेविंग नॉट एफेक्टेड बाई टी पी ए किस चीज के अगेंस्ट सेव कर रहे हैं टीपीए के अगेंस्ट टीपीए रिपील कर रहा है ना तो सेविंग की आवश्यकता अगेंस्ट टीपीए है टीपीए टी उन्हें अफेक्ट ना करे यस नहीं करेगा आइए इस सेटिंग पर सेविंग है टीपीए शेल नॉट अफेक्ट सेविंग टीपीए शेल नॉट अफेक्ट सेक्शन टू ए सेविंग टीपीए शेल नॉट अफेक्ट सेक्शन टू बी सेविंग टीपीए शेल नॉट अफेक्ट Section 2C. TPA shall not affect. Saving 2D. Chapter 2 of the TPA shall not affect. Last bottom class. This is from TPA, from TPA, from TPA and from TPA. Or ye from chapter 2 only. जो बॉटम क्लास है सेक्शन दो का बॉटम क्लास है वो भी सेविंग क्लास है मगर वह केवल चैप्टर टू के अगेंस्ट सेविंग ऑफर करता है सो द लास्ट क्लास द बॉटम क्लास ऑफ सेक्शन टू इज ऑल्सो ए सेविंग क्लास बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट फोर सेविंग क्लासेस पहले वाले जो चार सेविंग क्लासेस हैं उनसे आखिरी सेविंग क्लास थोड़ा भिन्न है आखिरी सेविंग क्लास केवल चैप्टर दो के अगेंस्ट सेव करता है जबकि पहले ये चार क्लासेस एंटायर टीपीए के अगेंस्ट सेव करते हैं सी सेविंग मींस नॉट अफेक्टेड बाय टीपीए क्या चीज टीपीए से अफेक्ट नहीं होगी किस चीज को सेव किया गया है फर्स्ट सेकंड आपको मैं अभी यहां बता चुका हूं अभी बता चुका हूं ऐसे इनेक्टमेंट्स सच इनेक्टमेंट्स विच हैव नॉट बीन एक्सप्रेसली रिपील्ड ऐसे इनेक्टमेंट्स ऐसे इंस्टीट्यूट ऐसे एक्ट्स जो एक्सप्रेसली रिपील नहीं किए गए हैं हाँ तो वो बच गए सेव हो गए और टीपीए उन्हें अफेक्ट नहीं करेगा दे हैव नॉट बीन एक्सप्रेसली रिपील्ड तो सच इन एक्टमेंट्स विच हैव नॉट बीन एक्सप्रेसली रिपील्ड शेल सरवाइव एंड द टी पी ए शेल नॉट अफेक्ट सच इनैक्टमेंट्स कोई आपसे पूछ सकता है कि ऐसे कौन से इनैक्टमेंट्स हैं जो बच गए और जिन्हें एक्सप्रेसली रिपील नहीं किया गया ऐसे बहुत से हैं देर आर सो मैनी इनैक्टमेंट्स विच हैव नॉट बिन एक्सप्रेसली रिपील्ड सो ऑल दोज इनैक्टमेंट्स विच हैव नॉट बिन एक्सप्रेसली रिपील्ड स्टिल सर्वाइव आप कहेंगे सर कुछ उदाहरण दे दीजिए उदाहरण ये है देखिए बॉम्बे लैंड रेवेन्यू कोड इसको एक्सप्रेसली रिपील नहीं किया गया है तो यह टीपीए की मार से बच जाएगा द बंगाल रेगुलेशन नंबर एट ऑफ 1819, इस बंगाल रेगुलेशन को भी एक्सप्रेसली रिपील नहीं किया गया है अभिव्यक्तः निरसित नहीं किया गया है तो यह भी सरवाइव करेगा टीपीए इसको भी अफेक्ट नहीं करेगा द अवध लॉज एक्ट 1876 हंड्रेड सेवेंटी सिक्स एंड द पंजाब लॉज एक्ट एटीन इन्हें भी एक्सप्रेसली रिपील नहीं किया गया है इन्हें भी अभिव्यक्तः निरसित नहीं किया गया है तो ये भी सर्वाइव करेंगे और टी पी ए से अप्रभावित बने रहेंगे सेव हो गए जिन्हें एक्सप्रेसली रिपील हो गया वो तो डूब गए और जिन्हें एक्सप्रेसली रिपील नहीं किया गया वह बच गए अगला क्लास देखिए सेविंग मींस नॉट अफेक्टेड बाई टीपीए सेविंग का मतलब ही हो रहा है नॉट अफेक्टेड बाई टीपीए हाँ ये वाली सेविंग अलग है ये नॉट अफेक्टेड बाई चैप्टर टू तो नाउ कम टू दिस हेडिंग सेविंग सेक्शन टू बी टर्म्स एंड इंसिडेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट संविदा की शर्तें तथा प्रसंगतियां संविदा की शर्तें तथा प्रसंगतियां टर्म्स एंड इंसिडेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है ये वही प्री टीपीए टीपीए एक जुलाई अठारह से लागू हुआ जिस कॉन्ट्रैक्ट की यहां बात की जा रही है वो एक जुलाई 1882 से पहले का है प्री टीपीए कॉन्ट्रैक्ट है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का अलग दर्जा है अलग महत्व है प्री टीपीए कॉन्ट्रैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और उस कॉन्ट्रैक्ट के इंसिडेंट्स बचे रहेंगे दोज टर्म्स एंड दोज इंसिडेंट्स शेल नॉट बी एफेक्टेड बाई द टीपीए आप कहेंगे इंसिडेंट का क्या अर्थ अर्थ है यहां पे तो इंसिडेंट का अर्थ मैंने वहां बताया है अभी रुक जाइए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी संपत्ति की वास्तविक प्रकृति मूल प्रकृति संपत्ति की मूल प्रकृति यहां कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ संविधान से नहीं है यहां कॉन्स्टिट्यूशन से तात्पर्य गठन से है मूल प्रकृति से है इसेंशियल नेचर से है यह कॉन्ट्रैक्ट है एक जुलाई अठारह से पहले का कॉन्ट्रैक्ट है इसको मत छुई है टीपीए विल नॉट अफेक्ट द टर्म्स ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट द इंसिडेंट्स ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट आप कहेंगे इंसिडेंट क्या है वहां देख लीजिए थिंग्स नेचुरली अटैच इंसिडेंट मीन्स थिंग्स नेचुरली अटैच प्री टीपीए कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और उसके इंसिडेंट्स अप्रभावित रहेंगे टीपीएस से सेफ्ट दूसरा संपत्ति का गठन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी टीपीए इसे प्रभावित नहीं करेगा इशेंशियल नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी टीपीए उसकी मूल प्रकृति को प्रभावित नहीं करेगा सेव्ड तो सेक्शन टू सब सेक्शन बी सेव करता है टर्म्स एंड इंसिडेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेव करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी हाँ ये सेविंग कंडीशनल है मैं आपको कंडीशंस भी बता दे रहा हूं ये देखिए टीपीए के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए टीपीए के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विथ टीपीए और देखिए लॉ अलाउड बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इस समय जो विधि प्रवर्तन में है उस विधि द्वारा अनुमन्य है ये दो शर्तें हैं तो सेक्शन टू बी में क्या सेव किया गया है टर्म्स एंड इंसिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट प्री टीपीए कॉन्ट्रैक्ट मगर ये सेविंग कंडीशनल है वो जो टर्म है और वो जो इंसिडेंट्स हैं वे टीपीए से इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए और वे लॉ द्वारा अलाउड होनी चाहिए विद्यमान विधि द्वारा अलाउड होनी चाहिए प्रेजेंट अलाउड होनी चाहिए इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी वो भी टीपीए के अगेंस्ट सेव्ड है यहां भी वही दोनों शर्तें हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी शैल एंजॉय सेविंग प्रोवाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अगेंस्ट टीपीए प्रोवाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशन इज अलाउड बाई लॉ फॉर द टाइम बींग इनफोर्स तो वो दोनों कंडीशंस इसके साथ भी पढ़ी जाएंगी इसके साथ भी पढ़ी जाएंगी इंसिडेंट का अर्थ आपको मैंने बता दिया थिंग्स नेचुरली अटैच एक संपत्ति है मेरे पास जमीन है तो उस जमीन के बगल में जो है संलग्न पड़ोसी मेरा एडजेसेंट नेबर वो अपनी प्रॉपर्टी बेचने जा रहा है ट्रांसफर करने जा रहा है तो जैसे ही वो ट्रांसफर करेगा मैं कहूंगा प्रियम्शन मैं राइट ऑफ प्रियम्शन एक्सरसाइज करूंगा पहले भी कर रहा था आज से सौ साल दो सौ साल पहले भी कर रहा था तो क्या टीपीए उस अधिकार को छीन लेगा मेरी जमीन के साथ राइट ऑफ प्रियम्शन अटैच है अटैच है तो अटैच रहेगा टीपीओ से छीन थोड़ी लेगा सो इंसिडेंट मींस थिंग्स नेचुरली अटैच फॉर एग्जाम्पल राइट टू प्रियम्शन प्रियम्शन अग्र क्रयाधिकार प्रियम्शन को हिंदी में कहते हैं अग्र क्रयाधिकार या शुफा कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ है इसेंशियल नेचर मान लो एक प्रॉपर्टी है उसका मैं और मेरा भाई ज्वाइंट ओनर्स है एक संपत्ति है जिसका मैं और मेरा भाई ज्वाइंट ओनर्स हैं तो हम इसका पार्टीशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं आज से सौ साल दो सौ साल पहले भी करते थे और अब भी करेंगे टीपीए इसमें रोक नहीं लगा सकता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी दैट मींस इशेंशियल नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल राइट टू पार्टीशन अगर किसी संपत्ति के साथ विभाजन का अधिकार जुड़ा हुआ है बंटवारे का अधिकार जुड़ा हुआ है तो वो जुड़ा रहेगा और टीपीए उसे समाप्त नहीं कर सकेगा सेव्ड नॉट टू बी एफेक्टेड बाय टीपीए अगला चलिए सेविंग्स यानी नॉट एफेक्टेड बाय टीपीए सेक्शन टू सी अब किस चीज को सेव कर रहे हैं देखिए राइट है इसको सेव कर रहे हैं यह लाइबिलिटी है इसको सेव कर रहे हैं यह राइट है वही एक जुलाई अट्ठारह से पहले का राइट है एक जुलाई अठारह के पहले की लाइबिलिटी है यानी प्री टीपीए राइट है प्री टीपीए लाइबिलिटी है तो जो प्री टीपीए राइट है और प्री टीपीए लाइबिलिटी है वो बनी रहेगी टीपीए उसे समाप्त नहीं कर सकता मैं आपको पहले भी बता चुका हूं टीपीए इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव लेक्चर वन लेक्न बता चुका हूं टीपीए इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव तो यदि प्री टीपीए राइट है प्री टीपीए लाइबिलिटी है तो वह बना रहेगा एंड टीपीए शैल नॉट अफेक्ट दैट राइट और दैट लाइबिलिटी पीएज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव रिलीफ रेस्पेक्टिंग सच राइट और लाइबिलिटी दूसरी चीज राइट विल नॉट बी एफेक्टेड बाई टीपीए लाइबिलिटी विल नॉट बी एफेक्टेड बाई टीपीए बिकॉज दीज राइट्स एंड दीज लाइबिलिटीज वियेटेड बिफोर टीपीए प्री टीपीए क्रिएशन है प्री टीपीए क्रिएशन है प्री टीपीए कॉन्स्टिट्यूशन है टीपीए के आने से पहले यह अधिकार या दायित्व गठित हो चुका था तो उसे हम नहीं छुएंगे और उस राइट या उस लाइबिलिटी के संबंध में कोई रिलीफ है उस राइट और उस लाइबिलिटी के संबंध में कोई अनुतोष है रिलीफ है तो वो रिलीफ भी बनी रहेगी टी उस रिलीफ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा राइट इज सेव्ड अगेंस्ट टी पी ए लाइबिलिटी इज सेव्ड अगेंस्ट टी पी एंड एनी रेमेडी विद रिगार्ड टू सच राइट एंड लाइबिलिटी ऑल्सो सेव्ड अगेंस्ट टी पी ए बिकॉज दीज राइट्स एंड दीज लाइबिलिटीज रिलेट टू प्री टी पी ए टाइम the right or liability was constituted before the TPA came into existence. तो उन rights और liability को save कर लीजिए और उन rights और liability से संबंधित कोई relief है वो भी saved है not to be affected by TPA. आप पूछेंगे कोई example दे दीजिए तो ये example देखिए TPA के लागू होने से पहले कुछ mortgage कुछ बंधक ऐसे थे जिसमें अटेस्टेशन की आवश्यकता नहीं होती थी विदाउट अटेस्टेशन वे मॉर्गेज वैलिड थे तो मान लो ऐसा कोई मॉर्गेज 200 साल पुराना मॉर्गेज है और उस जमाने में अटेस्टेशन जरूर ज़रूरी नहीं था हाँ तो ठीक है आज ज़रूरी है ना? आज जरूरी है ना? आज की बात आज देखी जाएगी मेरा तो मॉर्गेज 200 साल पुराना है तब तो टीपे का कहीं पता भी नहीं था तो ये मॉर्गेज सरवाइव करेगा विदाउट अटेस्टेशन के भी सर्वाइव करेगा लेकिन आज अगर कोई मॉर्गेज हो तो उसमें अटेस्टेशन जरूरी है आज की बात आज की हम तो पुरानी बातों को देख रहे हैं सो एनी मॉर्गेज विदाउट अटेस्टेशन इफ वैलिड बिफोर द टी पी एट मॉर्गेज इज स्टिल विल बी वैलिड ऐसे ही कुछ टेनेंसीज थी कुछ किराएदारियां थी कुछ टेनेंसीज थी कुछ काश्तकारियां थी जो नॉन ट्रांसफरेबल थी उस जमाने में टीपीए से पहले कुछ टेनेंसीज थी जो नॉन ट्रांसफरेबल थी तो ठीक है वो अगर उस तरह की कोई टेनेंसी आज भी बची हुई है तो वो नॉन ट्रांसफरेबल कैरेक्टर मेंटेन करेगी और टीपीए के मौजूदा प्रोविजंस उसे प्रभावित नहीं करेंगे आज तो टेनेंसीज ट्रांसफरेबल होती हैं मगर उस जमाने की बात कर रहा हूं जब कुछ टेनेंसीज नॉन ट्रांसफरेबल थी अगर ऐसी कोई पुरानी टेनेंसी है तो ठीक है टीपीओ से प्रभावित नहीं करेगा नॉट टू बी एफेक्टेड बाई टीपीए नेक्स्ट सेविंग देखिए सेविंग ट्रांसफर्स बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ लेक्चर वन में आपको बता चुका हूं कि टीपीए रिलेट्स टू ट्रांसफर बाई एक्ट ऑफ पार्टीज सर्टन पार्ट ऑफ ट्रांसफर बाई एक्ट ऑफ पार्टीज एंड ट्रांसफर्स बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ इससे बाहर है तो ठीक है टीपीए उन्हें इफेक्ट नहीं करेगा वो टीपीए में कवर्ड ही नहीं है ट्रांसफर इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ट्रांसफर इन एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स, ये सभी ट्रांसफर्स टीपीए से बाहर है तो टीपीए इन्हें इफेक्ट नहीं करेगा दिस इज सेक्शन टू सेक्शन डी ट्रांसफर्स बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड ट्रांसफर्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर आर नॉट टू बी एफेक्टेड बाई टी पी ए दे है सेक्शन टू सबसेक्शन डी हाँ इसका एक्सेप्शन है सेक्शन सत्तावन सेक्शन फिफ्टी सेवन टी पी एक्सेप्शन है चैप्टर फोर टी पी एक्सेप्शन है ये अपना काम करेंगे ये अपना प्रभाव छोड़ेंगे लेकिन टी पी ए के बाकी प्रोविजन्स आड़े नहीं आएंगे टीपीए के शेष प्रोविजन आड़े नहीं आएंगे बट सेक्शन 57 सेवन विल बी ऑपरेटिव चैप्टर फोर विल बी ऑपरेटिव इन्हें आप नहीं रोक पाएंगे धारा सत्तावन लागू होगी अध्याय चार लागू होंगे इन दोनों की बात छोड़ दीजिए ये एक्सेप्शन है बाकी ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ टीपीए से बाहर ट्रांसफर इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर बाहर मगर सेक्शन सत्तावन जहाँ एप्लीकेबल है पढ़ना पड़ेगा वहाँ ये अप्लाई करेगा ये बाहर नहीं अध्याय चार जहाँ एप्लीकेबल है वहाँ लागू होगा वो बाहर नहीं है लास्ट में देखिए सेविंग लास्ट सेविंग मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सेविंग फ्रॉम टीपीए है ये सेविंग फ्रॉम टीपीए है ये सभी सेविंग्स टीपीए के अगेंस्ट है मगर ये जो आखिरी वाली सेविंग है बॉटम क्लास सेक्शन दो अगर आप बेर में खोलेंगे सेक्शन दो की एकदम अंतिम दो लाइन देखेंगे तो वो भी सेविंग क्लास है मगर वो टीपीए के अगेंस्ट सेव नहीं कर रहा है इट इज सेविंग ओनली अगेंस्ट चैप्टर टू लिमिटेड सेविंग कहते हैं इसको। इट ओनली अगेंस्ट चैप्टर टूट नॉट अगेंस्ट एंटायर टीपीए क्या सेव कर रहा है कह रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का कोई नियम है जैसे वक्फ अलल औलाद इसको फैमिली वक्फ कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ वक्फ अलल औलाद या फैमिली वक्फ पारिवारिक वक्फ को मान्यता देता है लेकिन पारिवारिक वक्फ अन्यथा सेक्शन 14 टीपीए रूल अगेंस्ट परपेचुटी के खिलाफ है वक्फ अल औलाद इज अगेंस्ट सेक्शन फोर्टीन टी पी ए है कोई बात नहीं कोई बात नहीं सेक्शन फोर्टीन मीज चैप्टर टू चैप्टर टू कहां से कहां तक है देखिए यहां पर सेक्शन फाइव से फिफ्टी थ्री ए यह मत कह दीजिएगा कि चैप्टर टू मुस्लिम्स पर लागू नहीं होता है टी पी ए सेकुलर है हम सब पर लागू होता है मुस्लिम्स पर भी लागू होता है लेकिन चैप्टर टू का कोई सेक्शन कोई भी प्रोविजन मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा यदि टीपीए का कोई प्रोविजन चैप्टर टू का अगर चैप्टर टू टीपीए का कोई प्रोविजन मुस्लिम पर्सनल लॉ के नियम के खिलाफ है तो कौन जीतेगा कौन प्रभावी होगा रूल ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ शैल प्रीवेल एंड द लॉ incorporated in इन चैप्टर टू has to retreat टू बैक अध्याय दो में जो वर्णित नियम हैं उन्हें पीछे हटना होगा और मुस्लिम निजी विधि के नियम को वरीयता प्राप्त होगी इसलिए वक्फ अलल ओलाद वर्सेस सेक्शन 14 टीपीए तो इसमें वक्फ अलल औलाद प्रभावी होगा और सेक्शन 14 टी को पीछे हटना होगा दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच